पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया स्पेशल गिफ्ट, चांदी से बने भगवान गणेश की मूर्ति और दिया गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को भी गिफ्ट दिया, 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट दिया, बाइडेन ने अमेरिकी पुस्तक गैली गिफ्ट में दी। व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया। डिनर के बाद फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ पीएम मोदी की प्राइवेट मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन का जताया आभार, ट्वीट कर कहा हमारे बीच कई विषयों पर अच्छी बातचीत हुई। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, तो होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य स्वागत, नन्हे फैन से भी मिले पीएम। वॉशिंगटन डीसी में एमएनसी कंपनियों के बड़े अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की, नेशनल साइंस फाउंडेशन में छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी के आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे, शाम को व्हाइट हाउस में होगा स्टेट डिनर का आयोजन, रात्रि भोज के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया की नजर। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 जून को दिल्ली में होगी मीटिंग। मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा, लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 7 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने को कहा। 23 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होने आज पटना पहुंचेंगे केजरीवाल, ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती, मीटिंग से पहले शुरू हुआ पोस्टर वॉर, आपके पोस्टर में सिर्फ केजरीवाल तो कांग्रेस के पोस्टर में सभी नेताओं को जगह। विपक्षी एकता की बैठक से पहले पोस्टर वॉर, कांग्रेस जेडीयू के जवाब में बीजेपी ने लगाए पोस्टर, पोस्टर में महागठबंधन को भ्रष्टाचारी बताया। पटना में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाया पोस्टर, पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया मोदी का खास, वहीं केजरीवाल को बताया भावी प्रधानमंत्री। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र दंगों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र शांति प्रिय राज्य है, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां तनाव पैदा कर रहे हैं। अनंतनाग में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए समेत हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब के फाजिलका में बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, ड्रोन के साथ 2 किलो हेरोइन बरामद। असम के नलबाड़ी जिले में बाढ़ का कहर, बाढ़ से उफान पर नदी, बाढ़ के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सिक्किम में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक में भारी बारिश का दौर जारी, मांडिया जिले में बारिश के बाद जल भराव हुआ। Z News।